आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेन का चैप्टर ट्रेंगल की एक्सरसाइज सेवन ए और ट्रेंगल की एक्सरसाइज सेवन ए के क्वेश्चन नंबर फोर से हम लोग आज करने वाले हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है है ये कह रहा इन ए बी सी एडीजेक्टर ऑफ एंगल ए यहाँ फिगर को देखो ये हमारे पास ए बी सी नाम का एक ट्रेंगल है और यहाँ पर जो ए डी दिख रहा है ये बाइसेकट कर रहा है इस एंगल ए को तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी ए है ए सी ए है बी डी ये है तो बताओ जो ये डी सी है ना ये क्या है डी सी क्या है ये हमें फाइंड करना है देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए एंगल बाई थ्योरम अगर आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आती है तो आप ये इजिली कर लोगे अब इन क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो अभी हम आपको सोल्यूशन में बताएंगे यहाँ पर जो चार पार्ट दिए गए ना चार क्वेश्चन पूछे गए चारों क्वेश्चन को सेम तरीके से सॉल्व करना है अब कैसे करना है वो देख लो यहाँ पर हमारे पास जो भी गिवन है उसको हमने लिख लिया और साथ में यहाँ पर फिगर बना लिया अब इस फिगर की हेल्प से सब कुछ समझना देखो क्वेश्चन ने बताया कि हमारे पास जो ट्रेंगल है हमने कर दिया इन ट्रेंगल ए बी सी हमारे पास जो ट्रेंगल है ए बी सी नाम का इसमें एक हमारे पास ए डी नाम का क्या है बाइसेकटर है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी ए डी इज़ अ बाईसेक्टर ठीक है ए डी इज़ अ बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए क्या कर रहा है जो ए डी है ये बाइसेकट कर रहा था एंगल ए से तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एंगल बाइसेकटर थ्योरम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि जो हमारे पास ए बी है इसके अपॉन में आ जाएगा हमारे पास ए सी और ये बराबर हो जाएगा बी डी बी डी डीसी अगर आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं आती तो कमेंट करके बता देना और इस वीडियो में हंड्रेड लाइक करा देना आप हर एक थ्योरम का आपको वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे मतलब अपलोड कर देंगे ठीक है तो चलो हमने यहाँ पे लिखा ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी अब ये हो कैसे रहा तो यहाँ लिखेंगे बाई एंगल बाई सेक्टर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम की हेल्प से ये हो रहा है अब इसमें हमें बस वैल्यू को पुट करनी है ए बी हमें पता है ये है 6.4 और ए सी हमें पता है ये है 8 और यहाँ पर बी डी पता है 5.6 है और डी सी हमें पता नहीं इसको ऐसे ही रहने दो अब क्या करते हैं इसको इधर भेज देते हैं इसको इधर और डी सी को इधर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई डी सी हमारे पास इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 5.6 ये डिवाइड में इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और फिर आ जाएगा हमारे पास 6.4 आ जाएगा अब देखो जब 8 इंटू फाइव करेंगे तो हमें मिल जाएगा 44.8 और डिवाइड में है सिक्स पॉइंट फोर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर सेवन और ये डी सी हमें फाइंड करना था और यहाँ पर हमने डी सी को फाइंड कर लिया जो कि है सेवन सेंटीमीटर हो गया सोल्यूशन अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना इसको समझ लो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की हेल्प से तो यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास जो ट्रेंगल है ए बी सी नाम का ये एक ट्रेंगल है और इसमें जो ए डी है ये बाइसेकट कर रहा है कैसे ए डी इज़ अ बाइसेकटर यहाँ बोल देते हैं बाइसे्टर ऑफ एंगल हमने कर दिया है यहाँ पर ए इतनी बात क्लियर है अब देखो यहाँ पर इसको बाइसेकट कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एंगल बाइसेकटर तो बोल सकते हैं जो हमारे पास ए बी है उसके अपॉन आएगा ए सी वो बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी के गॉट इट बी डी अपॉन डी सी और ये कैसे हो रहा है यहाँ पर लिखो बाई एंगल बाई सेक्टर थियोरम इतनी बात क्लियर है अब इस क्वेश्चन को पहले समझो इसमें हमें करना क्या है देखो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है बी डी जो कि ये दिख रहा है और हमें फाइंड करना है डी सी ये दिख रहा है हमें ये गिवन है ये गिवन है और साथ में बी सी ये पूरा गिवन है पूरा गिवन है सिक्स सेंटीमीटर अब इन दोनों को कैसे फाइंड करेंगे ये समझना है। बहुत सिंपल है इन दोनों में से किसी भी एक को आप एक्स लेट कर लो हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट कर लेते हैं लेट जो हमारे पास बी डी है ना ये है एक्स सेंटीमीटर है अब ये बी डी हमारा एक्स सेंटीमीटर का हो गया है तो ये बताओ डी सी क्या होगा फिर डी सी क्या होगा कैसे फाइंड करेंगे देखो हमें पता है जो हमारे पास बी सी है ये कैसे बन रहा है ये बन रहा है बी डी प्लस डी सी से जब भैया बी डी प्लस डी सी कर देंगे तब ये पूरी लाइन बन जाएगी हमारी या फिर बोलो पूरी साइड बन जाएगी हमें बी सी पता है ये सिक्स सेंटीमीटर है और यहाँ पर बी डी जो है हमारे पास इसको हमने एक्स कर लिया है तो यहाँ पर जो डी सी है वो क्या आएगा ये एक्स प्लस का इधर आएगा माइनस का माइनस एक्स इक्वल टू हो गया हमारे पास डी सी तो हमें यहाँ पर डी सी की वैल्यू मिल गई जो कि है सिक्स माइनस एक्स इतनी बात क्लियर है अब सारी वैल्यू को इसमें इस पुट कर दो तो यहाँ पर ए भी हमें पता है टेन जो कि गिवन है ए सी हमें पता है फोरटीन और फिर यहाँ पर बी सी हमें नहीं चाहिए हमें चाहिए डी बी डी बी डी यहाँ पर एक्स है और ये हो गया डी सी हमारे पास सिक्स माइनस एक्स हो गया अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया हमारे पास टेन सिक्स माइनस एक्स यहाँ पर हो गया हमारे पास फोर्टीन एक्स ठीक है इसके अंदर मल्टीप्लाई तो ये हो गया हमारे पास सिक्सटी माइनस हो गया टेन एक्स इक्वल टू हो गया हमारे पास फोर्टीन एक्स ठीक है ये माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा तो ये हो गया हमारे पास फोर्टीन एक्स प्लस हो गया हमारे पास टेन एक्स और यहाँ पर आ गया हमारे पास सिक्सटी बॉट इट सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास सिक्सटी इक्वस टू ट्वेंटी फोर और ये हो गया एक्स और सिक्सटी अपॉन हम लोग करेंगे ट्वेंटी फोर तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है ट्वेंटी फोर से करेंगे तो फोर्टी एट टू तो टू पॉइंट फाइव हमें यहाँ पर मिल जाएगा तो टू पॉइंट फाइव हमें क्या मिल गया एक्स मिल गया ठीक है ध्यान समझना ये हमें एक्स मिला है अभी अब हमें क्या करना है इस एक्स की वैल्यू को हमें पुट कर देना कहाँ पुट करना है पहले तो बी में पुट कर दो तो यहाँ पर जो बी आया हमारे पास ये टू सेंटीमीटर आया है और फिर और फिर डी हमें फाइंड करना था एक्स जगह में आ जाएगा तो सिक्स माइनस टू पॉइंट फाइव आ जाएगा थ्री पॉइंट फाइव आ गया ये हो गया हमारे पास डी तो डीसी भी हमने फाइंड कर लिया बी डी भी फाइंड कर लिया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा सोल्यूशन समझ में आ गया अब आते हैं इसी के तीसरे वाले पार्ट में और ये कहाँ लिख दिया लिख के रख दिया ये देखना पड़ेगा ये है चलो ओके okay. तो यहां पर जो इसका तीसरा क्वेश्चन है इसमें भी हमें यहाँ पर ए बी बी डी बी सी ये सब गिवन है और हमें यहाँ पर सिर्फ फाइंड करना है ए सी ये फाइंड करना है ठीक है हमें क्या गिवन है ये फाइंड करना है हमें ए बी ये गिवन है बी डी ये गिवन है सिर्फ ये गिवन है ठीक है हमको ये भी नहीं पता है और ये फाइंड करना है अब ये कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा पहले समझ लो देखो यहाँ पर ना हमें पता है पहले तो ये लिखो भैया कि ये ट्रायंगल है तुमने तो कर दिया ट्रेंगल ए बी सी और इस ट्रेंगल में हमारे पास जो ए डी है ए डी इज अ बाईसेक्टर ए डी इज अ बाईसेक्टर ऑफ एंगल इतनी बात क्लियर है, ये हमने यहाँ पर कर दिया अब हमें क्या करना है यहां पर हम लोग बाई वाला क्या लगाएंगे? लगा तो ए तो बी अपॉन ए सी बी डी हो गया अच्छा अब यहाँ पर ए बी हमको पता है ठीक है ए बी हमारे पास कितना है ए बी हमारे पास है यहाँ पर 5.6 5.6 पॉइंट सिक्स ए हमें पता नहीं तो ए को हम लोग क्या कर सकते हैं ओके okay, ए को हम लोग कुछ लिख सकते हैं ए को ए लिख देते हैं और कुछ नहीं लिखते हैं यहाँ पर बी है तो यहाँ पर जो बी है वो हम लोग लिख सकते हैं थ्री पॉइंट हमारे पास टू है अब देखो डिवाइड में है डी ये क्या है ये हमें पता नहीं हमें यहाँ पर सिर्फ पता है बी ये पूरा पता है जो कि है सिक्स सेंटीमीटर का अब अगर हमें डी चाहिए तो क्या करेंगे सिक्स सेंटीमीटर में थ्री पॉइंट टू को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा डी मिल जाएगा और यहाँ पर जो हमारे पास डी आएगा वो आ जाएगा टू पॉइंट एट आ जाएगा ठीक है कितना आ जाएगा टू पॉइंट एट आ जाएगा ये हो गया हमारे पास अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा फाइव पॉइंट सिक्स इंटू आ गया टू पॉइंट एट डिवाइड में आ गया हमारे पास थ्री पॉइंट टू इक्वल्स टू हो गया ए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कितना फोर सेंटीमीटर तो हमें यहां पर ए मिल गया फोर पॉइंट नाइन सेंटीमीटर क्लियर हो गया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा सोल्यूशन समझ में आ गया अब आ जाओ इसी के फोर्थ वाले में देखो यहां पर भी हमें वही काम करना है तो सबसे पहले लिख दो ये ट्रेंगल हमारे पास है ए बी सी नाम का और हमने कह दिया कि भैया जो एडी है ये बाइसेकटर है ए डी इज अक्टर है ऑफ एंगल हमारे पास ए है ठीक है अब गिवेन क्या ए बी गिवन है ए सी गिवन है और हमें गिवन है डी सी ये गिवन है हमें फ़ाइंड करना है यहाँ पर बी सी ठीक है ये पूरा फाइंड कर लेना है अब ये पूरा फाइंड करेंगे कैसे ये देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है एंगल बाई सेक्टर थे जो कि हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास बी डी अपॉन डी सी हो जाएगा अब ए बी जो हमारे पास है वो फाइव पॉइंट सिक्स है और जो हमारे पास ए सी है वो फोर है और जो बी डी है ये क्या है बी डी हमें पता है नहीं बी डी हमको अभी बिल्कुल भी नहीं पता तो इसको हम मान लेते हैं ये हमारे पास x, एक्स लेट कर लिया कि हमारे पास बी डी जो है ये है हमारे पास एक्स यहाँ पर हो गया एक्स अब डी सी क्या है डी सी हमारा हमें गिवन है हाँ ये है हमारे पास थ्री ठीक है अब कैसे निकालेंगे बहुत सिंपल है यहाँ पर हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास फाइव पॉइंट सिक्स इंटू थ्री बाई हो जाएगा फोर और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी तो यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी हमें 4.2 सेंटीमीटर तो यहाँ पर x का मतलब क्या हो रहा है कि हमें यहाँ मिल गया है बी डी बी डी हमें यहाँ मिल गया है फोर पॉइंट टू देखो हमें बी डी पता है और डी सी भी पता है डी सी है थ्री अब हमें क्या फाइंड करना है बी सी फाइंड करना है तो बी सी ये कैसे फाइंड करेंगे तो वो बी सी कैसे रहा जब हम लोग बी डी में बी में ऐड कर देंगे डी को तभी तो बन रहा है अब बी हमारे पास है फोर पॉइंट टू और डी हमारे पास थ्री है तो चार तीन हो जाएगा हमारे पास सात सेवन पॉइंट टू यहाँ पर आ गया बी और यही हो गया इस बी का हमारा आंसर तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो फोर्थ है फोर्थ के फोर्थ पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर अब यहाँ पर जो क्वेश्चन फाइव है ये कह रहा है एम इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ पेलेलोग्राम ए बी सी डी डी एम वेन प्रोड्यूस मीट ए बी प्रोड्यूस एट एंड प्रूव डेट दिस एंड दिस

और यहाँ पर डी सी है इसके अपॉइंटमेंट बी एन है ये हमें प्रूव करके दिखाना है ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कैसे करेंगे अभी हम आपको पहले बता देते हैं इसको ना सोल्यूशन को देखो ध्यान से यहाँ पर सोल्यूशन को देखने के लिए आप पहले इस फिगर को देख लो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास ए बी सी डी एक पैलेलोग्राम है अब ये पैलेलोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड आपस में क्या होंगी पैलर होंगी और साथ में ही इक्वल होंगी क्या होंगी पैलर होंगी और इक्वल होंगी तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एबीसीडी ए बी सी डी अ ये है पैलेलोग्राम अब ये पैलेलोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड क्या है इक्वल है पैलर है तो अभी हम लोग बी सी बी सी पैलर बोल देते हैं ए डी के इतनी बात क्लियर है ये हो गई हमारी पैलर अब देखो ये साइड इसके पैलर है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये वाली साइड एम बी के भी पैलर होगी सिर्फ़ एम बी की बात करें अगर ये वाली साइड इस पूरे के पैलर है तो ये वाली साइड सिर्फ इस लाइन के भी क्या होगी पैलर होगी तो हम लोग ये भी बोल देंगे कि हमारे पास जो एम बी है ये पैलर है डी ए के अच्छा अब ये करने से हो क्या गया ये करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कैसे जरा फिगर को थोड़ा सा घुमा लो और इसको इतना छुपा लो अब देखो ये क्या दिख रहा है ये ट्रेंगल दिख रहा है ना अब हमने क्या कहा कि जो ये ट्रेंगल के ये एम दिख रहा है ना ये इतना पार्ट ये पैलर है इसके तो आपको याद आ रहा होगा बी थ्योरम। टी थ्योरम कहती है कि अगर ट्रेंगल के किसी भी एक साइड से दूसरी साइड की ओर एक लाइन हमारी जा रही है और वो पैलर हो रही तीसरी साइड से तो हमारे जो साइड होंगे ना जिस साइड में पॉइंट बन रहा है वो साइड का रीशु बराबर होगा दूसरी साइड के ये कहती ना बी पी टी तो इसका मतलब ये साइड बराबर हो जाएगी इस साइड के तो चलो यहां पर लिख देते हैं देखो कितना सिंपल ईजी हो गया ना ये तो यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास जो ट्रेंगल है ट्रेंगल डी एन ए नाम का ठीक है ये ट्रेंगल जो है इसमें हमारे पास जो एम बी है एम बी हो गया ये पैलर हो चुका है ए डी के इतनी बात क्लियर है ठीक है अब ये इसके पैलर हो गया तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि हमारे पास जो डीएम है ये अपॉन में हो जाएगा एम एन के और ये बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन बी एन के यहाँ पर रीजन दे दो बाई ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी बी पी टी या फिर बोलो थे थ्योरम ठीक है बस इसके अब देखो यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना था डी एम अपॉन एम एन देखो डी एम अपॉन एम एन हो गया यहाँ पर डी सी अपॉन बी एन है यहाँ पर ए बी अपॉन बी एन है सब कुछ सेम है बस यहाँ पर ए बी है यहाँ पर डी सी है अब देखो फिगर में ए बी ओ डी सी है कहाँ पर ए बी हमारे पास ये है डी सी हमारे पास ये है तो हमने क्या बताया कि जो ए बी सी डी है ये पैलेलो है और पैलेलो के अपोजिट साइड आपस में पैलेल होते हैं और साथ में इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारे पास ए बी है ये बराबर भी तो हो रहा है डी सी के तो ए बी की जगह पर हम लोग डी सी भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डीएम अपॉन एम एन इक्वल्स टू हो गया हमारे पास डी सी अपॉन बी एन हो गया ये हो गया प्रूफ यही हमें प्रूफ करना था देखो कितना ईजिली हम लोगों ने प्रूफ कर लिया अब आ जाओ इसके सेकेंड वाले में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ लिखा है डी एन डी ये है एन ये है अपॉन में हमारे पास डी एम ओके डी एम ये आ गया ठीक है और ये हमारे पास ए एन ए एन ये है और इसके अपॉन में है डी सी ये है तो मतलब कहने का है इसमें भी हमें कुछ ना कुछ इसी ट्रेंगल के अंदर काम करना है इस ट्रेंगल के अंदर काम करना है तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन हमारे पास फिर से यहाँ लिखेंगे इन ट्रेंगल हमने कर दिया डी एन ए ठीक है डी एन ए जो ट्रेंगल है इसमें जो हमारे पास एम बी है ये पैलर है किससे डी ए से एम बी डी ए से पैलर हो गई है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है अच्छा इस बार ना हम लोग थोड़ा अलग लेंगे उस बार हमने क्या लिया था हम लोगों ने लिया था डी एम अपॉन एम एन लिया था ना ये देखो डी एम अपॉन एम एन बट इस बार अलग लेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर डी एन लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ डी एन और अपॉन में डी एम है तो हमें डी एम को नीचे रखना है इस बार ठीक है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एम एन ठीक है यहाँ कर दिया एम एन अपॉन डी एम जैसा क्वेश्चन करता जाएगा वैसा वैसा हम लिखते जाएंगे इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास बी एन अपॉन हो जाएगा ए बी के और यहाँ लिखेंगे बाई बी पी टी थ्योरम बी पी टी थ्योरम इतनी बात क्लियर हो गई ये आ गया हमारा बी पी टी थ्योरम से अब यहाँ पर हमें करना क्या देखो यहाँ पर ना हमें कैसे भी करके ऊपर डी एन लाना डी एन मतलब ये पूरा बना देना है अभी हमारे पास ऊपर क्या है सिर्फ एम एन है क्या है एम एन है सिर्फ इतना है अगर हम लोग इसी में ये और जोड़ देंगे इस इतना पार्ट है इतने पार्ट में ये और जोड़ दें तो ये पूरा हमको मिल जाएगा ना अब ये कैसे जोड़ेंगे उसके लिए हमें यहाँ पर वन को ऐड कराना पड़ेगा दोनों साइड तो यहाँ लिखेंगे ऐड वन ऑन on, यहाँ कर दिया हमने बोथ साइड ठीक है हमें ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है इसलिए ऑन ऑन बोथ साइड कर दिया इतनी बात क्लियर है तो ये हो जाएगा हमारे पास एम एन अपॉन डी एम प्लस वन इक्वल्स टू ये हो गया बी एन अपॉन हो गया हमारे पास ए बी प्लस वन हो गया तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डी एम ये हो जाएगा ए एन सॉरी एम एन प्लस डी एम हो गया इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास ए बी ये हो गया बी एन प्लस हो गया हमारे पास ए बी हो गया ये आ गया हमारे पास अब यहाँ पर इसके आगे देख लो नेक्स्ट पेज में तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एम एन और डी एम अगर हम लोग एम एन और डी एम को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा डी एन बन जाएगा तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं डी एन ये हो गया डी एन अपॉन डी एम टू अब यहाँ पर बी एन प्लस ए बी है ये देखो बी एन प्लस ए बी इस पूरे को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा ए एन बन जाएगा तो यहाँ कर दिया हमने ए एन कर दिया डिवाइड में आ गया यहाँ पर ए बी अच्छा अब इसको देखो और जो हमें प्रूव करना था उसको देखो तो यहाँ पर डी एन अपॉन डी एम है ठीक है ए एन अपॉन डी सी है यहाँ पर ए एन अपॉन ए बी है तो यहाँ पर हमें डी सी लाना है तो हमने क्या बताया कि भैया ये पैलेलोग्राम है इस पैलेलोग्राम के जो अपोजिट साइड होंगे वो आपस में इक्वल होंगे तो इस साइड के इक्वल ये होगा जैसे कि अभी बताया था तो ए बी की जगह पर हम लोग डी सी लिख सकते हैं तो यहाँ पर आ गया डी एन अपॉन डी एम इक्वल टू ए एन अपॉन आ गया हमारे पास डी सी बस यही हमें प्रूव करके दिखाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर लिख भी देते हैं कि जो ए बी है वो बराबर है टी सी के इतनी बात क्लियर हो गई चलो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फाइव समझ में आ गया अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स पर क्वेश्चन सिक्स सोड द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द ऑब्लिक साइड ऑफ अ इज इजर टू द दैलर साइड आप देखो क्वेश्चन यहाँ पर सिक्स क्या कह रहा है कि एक आपके पास ट्रेपेजियम है उस ट्रेपेजियम के जो ऑब्लिक साइड है ना उन ऑब्लिक साइड के मिड पॉइंट में पॉइंट बन रहा है दोनों साइड अब ये कैसे समझ में आएगा इसको समझने के लिए आप आ जाओ फिगर पे देखो यहां पर पहले फिगर को ध्यान से देखो फिर क्वेश्चन को कैसे करना है ये भी अभी हम आपको सब कुछ इजी से भी आसान तरीके से बताएंगे तो ये है हमारे पास ट्रेपेजियम और इस ट्रेपेजियम की जो पैलर साइड है वो ए बी है और डी सी है ठीक है ये पैलर हो गई तो ऑब्लिक साइड क्या बची ए डी और बी सी ये ऑब्लिक साइड हो गई तो क्वेश्चन कि जो ए बी है और जो डी सी इसके मिड पॉइंट में एक पॉइंट है एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट ये जो पॉइंट है इसको हमने मिला दिया और मिलाने के बाद जो लाइन बन रही है, ये लाइन इन दोनों के पैलर है ये हमें प्रूफ करके दिखाना है इसका हम नाम रख देते इसको बोल देते ये ई e है ये हमारे पास एफ है तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि ऑब्लिक साइड में हमारे मिड पॉइंट में पॉइंट बन रहा है और उस पॉइंट को हमने मिला दिया तो एक लाइन बन गई अब ये लाइन इन दोनों के पैलर है ये प्रूव करके हमें दिखाना है तो ये प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा या फिर बोलो एक लाइन बनानी पड़ेगी जैसे कि हमने यहाँ पर एक लाइन बना दी ए डी है ना इसी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया तो ये कुछ ऐसा बढ़ गया ठीक है और इसको भी थोड़ा हमने आगे ऐसे बढ़ा दिया तो ये कुछ ऐसे हो गया तो देखो ये जब हमने लाइन बनाई तो ये क्या बन गया एक ट्रायंगल बन गया और ये जो पॉइंट है ना जिस पॉइंट में ये दोनों लाइन मिल रहे हैं इसका नाम हमने रख दिया P इतनी बात क्लियर हो गई अब देखो ये हमारा ट्रेंगल बन गया और थोड़ी देर के लिए इस लाइन को भूल जाओ तो इस ट्रेंगल में DC जो है ना ये पैलर हो चुका है AB के तो यहां पर BPT थ्योरम हम लोग लगाएंगे तो BPT थ्योरम क्या होती है ये कहती है कि भैया अगर कोई हमारे पास एक ट्रेंगल है और उस ट्रेंगल के किसी भी साइड से एक पॉइंट बन रहा वो पॉइंट दूसरी साइड को टच कर रहा है तो जो लाइन बनी वो लाइन अगर ट्रेंगल के किसी भी साइड से पैलर होती है तो साइड के रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं ये बात क्लियर हो गई इस समझ में आ गया तो बस यहाँ पर अभी हम लोग यूज़ करेंगे बी थ्योरम चलो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल इन यहाँ कर दिया हमने ट्रैंगल पी ए बी या फिर ए बी पी कुछ भी लिख देते हैं ये हमने लिख दिया अब ये ट्रैंगल है इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो डी सी है ये पैलर है ए बी के इतनी बात क्लियर हो गई अब ये इसके पैलर है तो हमने क्या बताया यहाँ पर लग जाएगा हमारा बी पी थ्योरम इससे जो हमारे पास पी है पी डी हो जाएगा डी और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास पी सी ओपन सी बी के। और यहाँ पे लिख दो बाई बी पी टी थ्योरम बाई बी पी टी थ्योरम इतनी बात क्लियर हो गई चलो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डी ए है अब इसको ध्यान से समझो ये जो डी ए है ना इस डी ए के मिड पॉइंट में ये पॉइंट है है ना क्वेश्चन ने कहा था कि भैया जो डी ए बी सी डी है ना ये क्या हमारे पास स्ट्रेटेजी है और यहाँ पर ऑब्लिक साइड के मिड पॉइंट में एक पॉइंट बन रहा है मिड पॉइंट में मतलब मतलब बीच में बन रहा है बीच में बन रहा है तो इसका मतलब कह रहा है जो डी ई होगा वो बराबर हो जाएगा ई ए, ए के ये होगा ना या फिर हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं जो डी ई है वो हमारे पास क्या है टू डी ई ये भी हम लोग लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं ना तो यहाँ पर जो डी ए दिख रहा है है ना इसकी जगह पे जो ये डी ए दिख रहा है इसकी जगह पे हम ये लिख देते हैं अच्छा ये बात आती है ये डी ई आया कैसे ये टू डी ई कैसे है अभी इसको देख लो हमने बोला जो डी ई है वो बराबर है ई ए, ए के यहाँ पर क्या है ए डी लिखा हुआ है ये डी ए लिखा हुआ है इसको हम लिख देते हैं डी ए अब ये जो डी ए साइड है ना ये बन कैसे रही है ये बन रही डी ई को जब हमने ऐड कर दिया है ई ए, ए में जब ऐड किया तो बन रही है तो हमने यहां पर देखा कि जो ई e है वो बराबर किसके है डी ई e के तो यहां कर दिया हमने डी ई डी ई और ये हो गया डी ई e, प्लस यहां पर क्या आ गया हमारे पास टू डी ई e आ गया टू डी ई ये किसके बराबर आ गया डी ए के बराबर आ गया तो हम डी ए की जगह पे टू डी ई लिख सकते हैं बिल्कुल लिख देते हैं तो यहां लिख दिया हमने पी डी और डिवाइड में आ गया टू डी ए आ गया ठीक है सॉरी डी ई e आ गया इक्वल्स टू यहां पर पी सी है डिवाइड में है सी बी ये सी बी दिख रहा है ना सी बी डिवाइड में है तो हम लोग इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड में हमें क्या मिल जाएगा सी एफ मिल जाएगा हमने डी ई लिया है इधर तो यहाँ पर सी एफ कर देंगे तो टू सी एफ़ आ जाएगा टू सी एफ़ बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करो जैसे हमने अभी सॉल्व किया इतनी बात क्लियर हो गई तो यहाँ पर जो टू दिख रहा है इस टू से हमारा ये टू कैंसिल हो गया तो यहाँ हमें क्या मिल गया पी डी पी डी ओपोन डी ई मिल चुका है और ये हो गया पी सी ओपोन सी एफ हो गया अब ध्यान से देखो यहाँ पर पी डी हमारे पास कहाँ पर है ये हो गया पी ये डी है पी डी है डी ई ये हो गया डी ई और ये पी सी हो गया सी एफ ये हो गया अब ये जो नीचे वाली लाइन है इसको भूल जाओ अब हमारा जो ट्रेंगल बन रहा है वो इतना है तो यहाँ पर जो ट्रेंगल आया वो पी डी ये ये अपॉन ये है. अगर आपने यहाँ पर पढ़ा है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम तो आप समझ गए हो कि यहाँ पर हम लोग अगर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगा देंगे तो यहाँ प्रूफ हो जाएगा कि हमारे पास ये वाली जो साइड है ना ये साइड पैलर है इसके वो कैसे देखो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर हमारे ट्रायंगल की ये साइड का रेशियो बराबर है इस साइड के तो अंदर जो लाइन बन रही वो पैरेलल हो जाएंगी ये हमारी थेल्स थ्योरम कहती है तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो रेशियो है ना वो बराबर हो चुका है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो डी ई है ना डी सी है वो पैलर है किसके ई एफ के ई एफ के पैलर है और बाई यहाँ लिख दो कन्वर्स ऑफ थ्योरम ठीक है थेल्स थ्योरम बस ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें यही प्रूफ करके दिखाना था कि ये इसके पैलर है अच्छा यहाँ पर ये यह इसके पैलर हो गया है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये इसके भी पैलर हो गए देखो ये इसके पैलर है ये इसके, इसके पैलर अभी हमने प्रूफ कर दिया तो ये मतलब हो रहा है ये तीनों आपस में पैलर हैं तो यहां लिख सकते हैं है प्रूफ कि हमारे पास जो ई e, एफ है ये पैलर हो गया है ए बी के ठीक है और पैलर हो गया डी सी के और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्वेश्चन सेवन इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज ए ट्रेपिजियम इन विच सी डी पैलर ए बी एंड इट्स डायगनल इंटरसेक्ट एट ओ इफ दिस इक्वल टू दिस इज दिस और डी ओ इक्वल्स टू दिस एंड ओ बीव टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ़ एक्स यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ए बी सी डी ना ये एक ट्रेपेजियम है और इस ट्रेपेजियम का जो सी डी है ये साइड पैलर है ए बी के अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो हमारे पास डैगनल दिख रही है ना ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही तो जनाब एक्स की वैल्यू फाइंड करो जब भी हमारे डैगनल ना इंटरसेक्ट करते हैं ट्रेपेजियम में तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एक सेकेंड अभी बता रहे हैं यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए ओ इक्वल्स टू ओ सी ये लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिखा हमने ए ओ अपॉन सॉरी ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ओ बी अपॉन ओ डी ये लिख सकते हैं इतनी बात क्लियर है क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो ये डायगनल है ना इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ए ओ अपॉन ओ सी हो जाएगा और हमारे पास ओ बी अपॉन ओडी हो जाएगा क्लियर हो गए अब सिंपल से हमें इसमें वैल्यू को पुट कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा तो देखो ए ओ हमें गिवन है यहाँ पर टू एक्स प्लस वन कर दिया डिवाइड में हमें ओ सी गिवेन है जो है फाइव एक्स माइनस सेवन है इक्वल्स टू जो ओ बी है वो है हमारे पास सेवन एक्स प्लस वन और जो हमारे पास ओ डी है वो है सेवन एक्स माइनस फाइव है अब हम इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हो गया टू एक्स प्लस वन हो गया और यहाँ पर हो गया हमारे पास सेवन एक्स माइनस हमने कर दिया फाइव एक्व टू हो गया हमारे पास सेवन एक्स प्लस वन हो गया और यहाँ पर हो गया हमारे पास फाइव एक्स माइनस सेवन हो गया इतनी बात क्लियर है अब इसका इसमें हम लोग करेंगे अंदर मल्टीप्लाई तो टू एक्स का इसमें करेंगे तो टू एक्स सेवन टू सा हो जाएगा हमारे पास फोर्टीन फोर्टीन एक्स स्क्वायर यहां पर हो गया फाइव टू जै टेन तो यहाँ पर हो गया हमारे पास टेन एक्स हो गया अब इसका इसमें करेंगे तो यहां पर हो गया हमारे पास सेवन एक्स और यहां पर हो गया माइनस का फाइव एक क्वेश्चन तो इसका इसमें करेंगे सेवन फाइव जै हो गया थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर हो गया और यहां पर सेवन का इसमें करेंगे सेवन सेवन 49 फोर्टी नाइन यहां पर हो गया हमारे पास एक्स यहाँ पर प्लस फाइव एक्स और यहाँ पर माइनस ये हो गया हमारे पास सेवन क्लियर हो गया अब यहाँ पर फोर्टीन एक्स स्क्वायर है यहाँ पर थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर है तो एक काम करते हैं यहाँ पर जो थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर है ना इसको यहाँ पर ऐसे ही लिखा और ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का फोर्टीन एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टेन एक्स और यहाँ पर है सेवन एक्स इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का थ्री एक्स और ये माइनस का फाइव है ये इधर ही लिख देते हैं अभी अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का फोर्टी फोर एक्स और ये हो गया माइनस हमारे पास सेवन चलो अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 35 है फाइव है फोटीन है तो यहाँ पर आ जाएगा ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर अब देखो यहाँ पर है फोर्टी फोर ये फोर्टी फोर हमारे पास माइनस का माँनस है माइनस फोर्टी फोर एक्स है यहाँ पर माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का थ्री एक्स हो गया और ये माइनस सेवन है ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का फाइव हो गया यहाँ पर हो गया हमारे पास ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास फोर्टी वन एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का टू तो देखो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गई जो कि है x ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी वन एक्स माइनस टू है अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से तो यहाँ पर है हमारे पास टू टू इंटू फोर्ट ट्वेंटी वन कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फोर्टी टू अब फोर्टी टू को ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उसका मल्टीप्लाई करें तो फोर्टी टू ही आ जाए और जब उसका सम करें तो हमें मिल जाए माइनस का फोर्टी वन तो ये दो नंबर हो जाएंगे जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्टी टू आ जाएगा प्लस का और जब इसका हम लोग सम करेंगे तो हमें माइनस का 41 मिल जाएगा ऐसे लिखना पड़ेगा है ना ओके ठीक है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में माइनस का आना चाहिए ठीक है आ रहा है और ये आ रहा है हमारे पास ठीक है चलो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 42 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया हमने फोर्टी टू एक्स और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स और यहाँ पर हो गया माइनस का टू अब इन दोनों में से हम लोग ट्वेंटी वन को कॉमन ले लेंगे और साथ में एक्स को ले लेंगे यहाँ पर हो गया एक्स माइनस टू ओके ये हो गया हमारे पास टू और इसमें से हम लोग माइनस वन को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स यहाँ पर आ गया टू तो यहाँ पर हम लोग प्लस वन को लेंगे माइनस वन को लेंगे तो ये माइनस का यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो यहाँ पर रहेगा प्लस वन कॉमन और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का हमारे पास टू अब देखो यहाँ पर एक्स माइनस टू एक ब्रैकेट में आ गया दूसरे में आ गया हमारे पास ट्वेंटी वन एक्स प्लस वन आ गया ठीक है ये आ गया अब इसको क्या करो कि ये दोनों हमारे क्या हैं जीरो के इक्वल हो जाएंगे जीरो के इक्वल हैं तो यहाँ लिख सकते हैं इधर लिख देते हैं या फिर दूसरे पेज में कर देते हैं यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है x माइनस टू ये जीरो के इक्वल है और ऐसे ही ट्वेंटी वन एक्स प्लस वन ये भी ज़ीरो के इक्वल है ये माइनस का इधर आ जाएगा का, प्लस का ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ट्वेंटी वन तो हमें एक्स की वैल्यू मिली है माइनस वन अपॉन ट्वेंटी वन और दूसरी एक्स की वैल्यू मिली है हमें यहाँ पर टू मिली है हमें दो वैल्यू मिले अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास है ना ये एक्स की वैल्यू ये हमारी किस में है माइनस में तो अगर हम लोग किसी की भी लेंथ निकालेंगे तो वो क्या माइनस में होगी नहीं होगी तो हमारे जो आंसर होगा वो एक्स इक्व टू होगा और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सल्यूशन तो इस वीडियो में हम लोग बस यहीं तक ही करने वाले क्वेश्चन नंबर सेवन तक बाकी के जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना एट नाइन टेन ये सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पर